बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ मैं हूँ कमरान मलिक जी। तो दोस्तों आज एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको पावर स्विच के कनेक्शन का तरीकाकार बताऊंगा। पावर स्विच होता क्या है? पावर स्विच ये डबल पोल डबल थ्रो मतलब इसको स्विच कहते हैं। मतलब इसमें आप फेज और न्यूट्रल इन करते हैं और फेज और न्यूट्रल आप इसे आउट करते हैं। ये बेसिकली गीजर और जो हैवी लोड होता है मतलब एसी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके कनेक्शन कैसे करते हैं वो जनाब आप देख सकते हैं कि ये हमने स्विच खोला हुआ है। वो कनेक्शन वगैरह जल्दी से समझा देते हैं। इसमें चार पॉइंट होते हैं, मतलब दो पॉइंट होते हैं आपके फेज और न्यूट्रल इन करने के लिए, दो पॉइंट होते हैं फेज और न्यूट्रल आउट करने के लिए। ये जो आप पॉइंट अभी देख रहे हैं यहाँ पे इन लिखा हुआ है, ये मेन डीपी से फेज और न्यूट्रल आ रहे हैं। मतलब ब्रेकर से आपने फेज और न्यूट्रल आपने ला के इसके इन में दे देने, एल में फेज और एन में आपने न्यूट्रल, और इसी तरह आपने आउट से आपने फेज और न्यूट्रल आउट यहाँ से ले लेनी है। फेज यहाँ से लेना है और न्यूट्रल आपने यहाँ से, जहाँ पे एल लिखा होता है आपने हमेशा वहाँ से फेज वायर आउट करनी है, और जहाँ पे एन लिखा हुआ है यहाँ से आपने न्यूट्रल वायर आउट करनी होती है। ये मुख्तलिफ रेटिंग के होते हैं। यहाँ पे जो लगा हुआ ये 32 एम्पीयर के आप, तो बहुत ही सिंपल से इसके कनेक्शन हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कनेक्शन समझ आ गए होंगे। आपने फेज और न्यूट्रल इन करने और यहाँ से फेज और न्यूट्रल आपने आउट करने होते हैं, ठीक है। आप जब इस बटन से फिर आप कोई भी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इसको वापस से दोबारा यहाँ पे लगा देते हैं। मज़ीद कोई सवाल उसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।